हे गाइस, टुडेज रेसिपी इज दही बड़ा। ये है हमारी समर स्पेशल रेसिपी, माउथ वाटरिंग दिखने वाले दही बड़े। गाइस, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दही बड़े बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने 2 सर्विंग्स और 5 सर्विंग्स दोनों के लिए इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले आपको उड़द दाल लेनी है। आप उसे अच्छे से वॉश करके भिगो दीजिए। आपको लगभग 4 घंटे तक दाल भिगोनी है। दाल बहुत अच्छे से 4 घंटे के बाद गलने के बाद आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। आपको उसमें पानी नहीं डालना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ग्राइंड हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी 1/2 कप डाल सकते हैं, और आपके बैटर और दाल के अकॉर्डिंग आप उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिए। देखिए, इस कंसिस्टेंसी का आपका ये हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से बिल्कुल प्लेन कंटेनर में निकाल लीजिए। आप इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप उसे 1 घंटे के लिए इसमें छोड़ दीजिए गलने के लिए। 1 घंटे बाद आपको इसे यूज़ करना है। उसके बाद मैं तैयार कर रही हूँ दही। ये बिल्कुल फ्रेश दही है। आपको दही के अंदर शक्कर डालनी है। मैंने 1/2 kg दही लिया है, और इसमें आप 1 कप शुगर ले सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। आप इसे शुगर डालने के बाद अच्छे से बीट कर लीजिए, और आप इसमें पिंच सॉल्ट ऐड कीजिए। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। लगभग 1/4 टीस्पून आप इसमें सॉल्ट ऐड कीजिए। उसके बाद आप इसे अच्छे से बीट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से। आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बीट करने के बाद ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। उसके बाद मैंने ली है इमली, उसको मैंने पानी से भिगो दिया है। और उसके बाद मैंने लिया है गुड़ स्वीटनेस के लिए, और फिर मैंने लिए हैं 10 से 12 डेट्स। खजूर, इमली और गुड़ की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने सभी को पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और छान लिया है, और उसमें पिंच सॉल्ट ऐड किया है। ये देखिए, इस तरीके से चटनी इस कंसिस्टेंसी की आप बना लीजिए। और उसके बाद मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने तेल रखा है, और फिर मैंने जो बैटर हमने साइड में रखा था 1 घंटा गलने के लिए, उसको मैंने बीट करना स्टार्ट किया है। ये देखिए, इस तरीके से आपको अपने पाम से उसे बीट करना है। ये धीरे धीरे फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसे नियर अबाउट 15 मिनट्स तक बीट करना है। ये देखिए, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में आपको इसे बीट करना है। ये देखिए, ये कितना फ्लफ़ी होने लगा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे अच्छे से 15 मिनट्स तक बीट कर लीजिए, और फिर हम इसको डालेंगे चेक करने के लिए थोड़े से पानी में। एक कटोरी में आप पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप बैटर छोड़िए। अगर ये डूब जाता है मीन्स आपको इसे और फेंटना है, लेकिन ये देखिए, ये फ्लोट हो रहा है मीन्स आपका बैटर तैयार हो चुका है। ये देखिए, इस तरीके से ये पानी में नहीं डूबा है मीन्स आपका परफेक्ट, आपने इसे फेंट लिया है। उसके बाद ये कंप्लीट इस तरीके से हो चुका है, और अब ये कढ़ाई में गरम तेल में देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तेल गरम हो चुका है, और इसको आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर तलना है। ये देखिए, इस तरीके से। गाइस, आप इसमें एक टिप है स्पेशल, कि आप जितनी बार वड़े तेल में देंगे, आपको उसे थोड़ा सा फेंट कर बीट करके ही आप उसमें दीजिए, जिससे आपके वड़े बहुत स्पॉन्जी बनेंगे। ये देखिए, मैंने सारे वड़े इसमें दे दिए हैं। जब आप इसको तेल में डालेंगे, तब आपका तेल बहुत अच्छा गर्म होना है, और उसके बाद आपको सारे वड़े डालते ही आपको बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, जिससे वड़े बहुत अच्छे इवनली कुक होंगे। ये देखिए, किस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। आपको इनको स्लोली टर्न करना है इस तरीके से। लो फ्लेम पर तैयार हुए वड़े अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे, और ये बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका कलर चेंज हो गया है अच्छे से।
उसके बाद मैंने थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म वाटर लिया है, हल्का गुनगुना पानी, जिसको वड़े को हम अब तेल से निकाल देंगे। ये देखिए निकाल दिए मैंने सारे वड़े। उसके बाद पानी के अंदर हमें इन्हें लगभग 2 घंटे तक रखना है। ये वड़े निकालने के बाद ये बहुत क्रिस्पी हो गए हैं, आप इनको चेक भी कर सकते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फ्लफी सॉफ्ट हैं अंदर से। हमारे सारे वड़े रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इनको पानी में डाला है, हल्की गुनगुने पानी में। ये देखिए इस तरीके से पानी में आप इसे डाल दीजिए, आप थोड़ा सा चाहे तो हाथ से इनको अंदर कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से कितने स्पॉन्जी हो चुके हैं। अभी ये पूरी तरीके से नहीं गले, आपको लगभग इन्हें 2 घंटे तक पानी में रखना है। अगर आप बैटर में घोल में नमक डालना भूल गए हैं तो आप आधा टीस्पून सॉल्ट पानी में डाल दीजिए, गुनगुने पानी में। इसको पूरा मैंने इसे स्वीज कर दिया है, उसके बाद भी ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया है। ये देखिए इसने पूरा पानी पी लिया है, बहुत अच्छे से ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं प्लेटिंग के लिए। उसके बाद मैंने मसाला तैयार किया है, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, जीरा पाउडर और काला नमक, ब्लैक पिंक सॉल्ट, आप 1 टीस्पून सबको लिया है मैंने। आप सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है सेका हुआ जीरा, रोस्टेड जीरा, और फिर मैंने इनको सर्व किया है। आप इनको थोड़ा सा स्वीज करके सर्व कीजिए। उसके बाद हमारा सबसे टेस्टी इंग्रेडिएंट दही, स्वीट दही आप इस पर डालिए, अच्छे से दही डालिए बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमारी खट्टी मीठी चटनी इमली की, उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है ग्रीन चटनी, दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने स्प्रिंकल किया है रेड चिल्ली पाउडर बिल्कुल पिंच, उसके बाद पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड देन हमने जो मसाला मिक्स तैयार किया है, जीरा पाउडर, मिर्च, उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में और दही स्प्रिंकल कीजिए, एंड देन हमारा रोस्टेड क्यूमिन जीरा इस पर मैंने स्प्रिंकल किया है। एंड देन गार्निश के लिए मैंने यूज़ किया है कोरिएंडर लीव्स। हमारा दही बड़ा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, द सुपर यम्मी दही बड़ा, खट्टा मीठा चटपटा विन समर स्पेशल। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।